वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेके आया हूँ बीबी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। बीबी कॉलेज जो कि आसनसोल में स्थित है, इस कॉलेज में बीए बीकॉम बीएससी 2021 के बैच का जो एडमिशन होना था, एडमिशन फॉर्म फिलअप जिन लोगों ने भी किया था उन सभी लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपना मेरिट लिस्ट जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बीबी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, एक नया टैब ओपन हो जाएगा आप लोगों का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी शिफ्ट और बीबी कॉलेज बिलो फॉर ऑनलाइन एडमिशन। तो जो बंगाली मीडियम के छात्र हैं या फिर जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं, तो बंगाली मीडियम के ज़्यादातर छात्र जो है इस लिंक के द्वारा अपना चेक करेंगे, और हिंदी शिफ्ट वाले उन लोगों का अलग से मेरिट लिस्ट। तो जो भी मॉर्निंग शिफ्ट है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का, जैसे कि नोटिस बोर्ड में देख सक रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करके मेरिट लिस्ट दिया गया है। तो बंगाली मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है अगर फॉर्म फिलअप किए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में तो वो लोग यहाँ से चेक करेंगे। लेकिन अगर किसी हिंदी शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए जैसे कि हिंदी शिफ्ट का ये ज्योग्राफी ऑनर्स, फिर हिंदी शिफ्ट का अलग अलग जो सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स ऑनर्स हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो देखिए कि हिंदी शिफ्ट का ये पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स का स्टूडेंट का ये मेरिट लिस्ट है। और जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट आपके मोबाइल पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये ऊपर में जो सर्च बटन देख रहे हैं, इस सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम टाइप करेंगे। तो आपका जो भी नेम होगा वो टाइप करके सर्च करके अपना जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। तो जिन लोग सभी स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उन लोगों का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 2 से 3 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो उन वो लोग अपना जो एडमिशन है वो या तो कॉलेज में जाके करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करा सकते हैं। इसका अपडेट कॉलेज के वेबसाइट पर आप लोगों को अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। और जिन लोगों का मेरिट में नाम नहीं आया है वो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस बार लगभग सभी स्टूडेंट के मेरिट में लगभग नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पर सारा स्टूडेंट है जिनका कम भी नंबर था उन सभी लोगों का भी मेरिट में नाम है। जैसा कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि 90 नंबर है किसी स्टूडेंट्स का हिंदी में, उसका भी मेरिट लिस्ट में नाम है। और 57 भी है किसी का, उसका भी मेरिट लिस्ट में नाम है। 54 वालों का भी नाम है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट 49 लाए हैं, 46 लाए हैं, यानी जिन भी स्टूडेंट का 45 मार्क्स से ऊपर है सभी का लगभग मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। तो 2 से 3 दिनों में आप लोगों का एडमिशन का नोटिस आ जाएगा। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं और अपना एडमिशन करा सकते हैं। और भी इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।